आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त बताई जा रही है कि दो लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही थी, शुरू से ही आशंका ऐसी जताई जा रही थी जिस बड़े पैमाने पर यह हादसा हुआ है। बोगियां पटरी से उतर गई हैं, चार चार पांच पांच बोगियां देखिए पूरी तरह से पलटी हुई हैं। ऐसे में दो लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। फिलहाल आपको बता दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो जलपाईगुड़ी में हुई है, पश्चिम बंगाल में, बीकानेर एक्सप्रेस बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली, और दो लोगों के मौत की, अब कुल मिलाकर तीन लोगों की मौत की पुष्टि, जैसा कि बताया जा रहा है, दो से तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा किस तरह की जानकारी मौके से आती है। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में अब जानकारी आ रही है कि तीन लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी से खबर पर, सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्र, अब खबर आ रही है इंद्रो कि तीन लोगों की मौत हो गई है, और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भयावह एक्सीडेंट लग रहा है। 12 ऐसी बोगियां हैं जो पटरी से उतर गई, चार से पांच पलट गई। मौके पर इस वक्त क्या हो रहा है? क्या लोगों को बोगियों से निकाल लिया गया है? राहत कार्य कहां पर है? क्या स्थानीय अस्पताल में सबका इलाज मुमकिन हो पाएगा? किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? जी हाँ बिल्कुल अंजना, इस वक्त जो खबर आ रही है बहुत ही बेहद दर्दनाक ये एक हादसा है। तीन लोगों की मौत की इस वक्त पुष्टि हो रही है। अलीपुर जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे, और ये बीकानेर जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस जो है गुवाहाटी की तरफ जा रहा था, मोयनागुड़ी जो जगह है जलपाईगुड़ी जिले में, वहां पे ये हादसा हुआ है करीबन 5:45 बजे आज शाम को, जिसमें 5 से 8 बोगिया डीरेल होने की इस वक्त सूचना हमें मिल रही है, और काफी लोगों का इंजर्ड होने का भी ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो इंजर्ड है उनको इस वक्त जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मोयनागुड़ी में जो हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल, वहां पे लिया जा रहा है, और जो लोकल पुलिस है उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल फायर सर्विस डिपार्टमेंट और जो रेलवे पुलिस है वो लोग भी इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जुट गए हैं। और ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उत्तरी बंगाल के जितने भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कहा गया है कि वो मौके पे पहुंचे, उस लोकेशन में पहुंचे, और जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है उसमें सहायता करे रेलवे को इस वक्त। बिल्कुल, और जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इंद्रजीत, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि अचानक से ये ट्रेन, या तो सडन जग, जो भी है वजह कारण तो अभी पता चलेगा, लेकिन इम्पैक्ट हुआ जब 12 पटरियां पूरी तरह से पटरी से उतर गई, चार से पांच पलट गई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा होगा। इसी पर आपसे जानकारी दे रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि बीकानेर हादसे की पीएम मोदी ने जानकारी ली है, सीएम ममता बनर्जी से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और जानकारी इस पूरे हादसे के बारे में ली है। इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा होगा इंद्रजीत, ये समझ में आता है, और इसीलिए आशंकाएं कि ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ होगा, गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या भी काफी होगी, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा सकता है इंद्रजीत। बिल्कुल बिल्कुल, यही अंदेशा लगाया जा रहा है, और काफी बेहद दर्दनाक ये घटना है, और यही कारण है कि जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको भी तैयार रखने के लिए कहा गया है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहां पे भी जो इंजर्ड है उनको लिया जाएगा इस वक्त, और जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स है उस इलाके में उनको कहा गया है कि वो उस इलाके में पहुंचे और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है उसको उसमें मदद करे। और ये भी आ रही है कि जो प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस बारे में, इस विषय में उन्होंने बात की और जानकारी लेने की कोशिश की कि इस वक्त क्या स्थिति है इस एक्सीडेंट की। जो इस वक्त की खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है कि तीन लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त हो रही है और काफी लोग घायल भी हुए हैं इस एक्सीडेंट में। बिल्कुल, जल्दी से एक बार शरद के पास चलते हैं जो जयपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से मतलब एक तरह से बीकानेर से क्या खबर है, क्योंकि शरद वहीं से ये ट्रेन चली थी, किस तरह की जानकारी आ रही है? जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भारी मुश्किल, क्योंकि वहां से जो लोग निकले होंगे गुवाहाटी के लिए उनमें से ही कई लोग घायल हुए हो सकते हैं इस हादसे में। किस तरह का अपडेट वहां से है सर? शरद, अंजना ये कोलकाता जाने के लिए बहुत लोकप्रिय ट्रेन है, कल सुबह निकली थी यहाँ से, और सुबह
6:45 बजे पटना से खुली थी। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बातचीत की है पश्चिम बंगाल में अधिकारियों से रेलवे के, और वहां पर ये देखा जा रहा है कितने लोग घायल हुए हैं। अभी तक यहां जो जानकारी मिल पाई है कुल 12 डिब्बे पलटे हैं, उसमें से कहा जा रहा है कि 5 क्षतिग्रस्त हुए हैं, और जितने फोन नंबर थे उन पर सब पर जो घरवाले हैं वो ट्राई कर रहे हैं। और ये ट्रेन जो है बीकानेर, जोधपुर और जयपुर ये समेत जो यात्री हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले वो जाते हैं यहाँ से। बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन है ये। रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 8134054999। इस हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने कहा है कि अपने अपने लोगों से बातचीत करके बारे में पता लगाएं। अभी तक जो जानकारी शुरुआती तौर पर यहाँ पर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 मौतें हुई हैं, हालांकि इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर और ज्यादा जानकारी के लिए। जनाब बिल्कुल, अब एक बार आइए जल्दी से जरा आपको सुना देते हैं, क्योंकि आप भी ये समझकर थोड़ी सी इससे समझ बढ़ेगी हादसा किन परिस्थितियों में हुई है। जो चश्मदीद थे, जो वहां पर मौजूद थे इस हादसे के वक्त या फिर उसके बाद, वो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं इस हादसे के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। एस 12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और आगे उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना निजलपाईगुड़ी से बोंगाईगांव जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी? कैजुअलिटी तो दो चार डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। दो चार डब्बा पीछे वाला डब्बा, आगे में भी एक दो डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड हो गया।